नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आयकर विभाग ने नासिक के कनाडा कॉर्नर स्थित सुराणा ज्वेलर्स पर एक बड़ी छापेमारी की है। मालिक के कथित अघोषित लेनदेन की खबर मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान सुराणा ज्वेलर्स के मालिक के आवास और उसकी निर्माण कंपनी महालक्ष्मी बिल्डर्स पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे में लगभग 26 करोड़ रुपए नगद और 90 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज पाए गए हैं। आयकर विभाग ने ज्वेलरी स्टोर और मालिक के घर पर एक साथ छापेमारी की। अधिकारियों ने कई टीमें दिन भर वित्तीय रिकॉर्ड, लेन देन संबंधी डेटा और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो अघोषित आय और संभावित संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की व्यापक जांच के लिए छापेमारी को अंजाम दिया गया है। आयकर विभाग सुराणा ज्वेलर्स और महालक्ष्मी बिल्डर्स दोनों के तमाम वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड की सावधानी पूर्वक जांच कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अमित राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बड़ी छापेमारी की गई है, आखिर अब तक क्या क्या कुछ कुछ सामने आ पाया है, जानकारी विस्तार से दीजिएगा। देखिए, महाराष्ट्र के नाशिक में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है और आयकर विभाग की तरफ से कनाडा कॉर्नर इलाके में स्थित सुराणा ज्वेलर्स के मालिक के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसमें भारी मात्रा में कैश और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए। आयकर विभाग की तरफ से सुराणा ज्वेलर्स के मालिक के आवास और उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी महालक्ष्मी बिल्डर्स पर छापेमारी की गई है और ये छापेमारी टैक्स चोरी के संदेह में की गई है और इस छापेमारी में 26 करोड़ रुपए नगद और 90 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए। ये छापेमारी जो है शुक्रवार यानी 24 मई को से शुरू हुई थी और लगभग 30 घंटे तक जो है ये छापेमारी जो है चली है और जितनी नोटें वहां मिली है उसे गिनने में लगभग 14 घंटे का जो है समय गया है। आयकर विभाग ने सुबह सुबह ही जो है ज्वेलरी स्टोर और मालिक घर पर एक साथ छापेमारी की और लगभग 30 घंटे तक आयकर विभाग के रेड चली और अधिकारियों की कई टीमें दिन भर वित्तीय रिकॉर्ड, लेन देन संबंधी डेटा और दस्तावेजों की जांच करती रही। इस रेड में इनकम टैक्स के अधिकारियों कई चीजें हाथ लगी हैं और आयकर विभाग के अधिकारियों ने बंगले में फर्नीचर तोड़कर जो है ये नोट जो है निकाले गए हैं और इस कार्रवाई में नासिक, नागपुर, जलगांव की टीमों के 50 अधिकारियों को एक साथ शामिल किया गया था और अचानक हुई छापेमारी से पूरे इलाके में जो है हड़कंप मच गया था और छापेमारी वाली जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। यानी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की जो है बहुत बड़ी कार्रवाई जो है ये मानी जा रही है। मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले जो है महाराष्ट्र में इसी तरह से नांदेड़ में भी जो है कार्रवाई हुई थी और आयकर विभाग ने भंडारी फाइनेंस व आदिनाथ कोऑपरेटिव बैंक में छापा मारे था और लगभग 72 घंटे तक छापेमारी चली थी। छापेमारी में लगभग भंडारी फैमिली के पास से 170 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति मिली थी और 14 करोड़ कैश बरामद हुआ था। इसमें गिनने में कई घंटे लगे थे तो कहीं ना कहीं जो है एक ये बहुत बड़ी छापेमारी है ये और निश्चित तौर पर आयकर विभाग की इस कार्रवाई पे जो है सबकी नजर गड़ी हुई है। जी, वाकई नजरें गड़ी हुई हैं, चूंकि देखिए कल सुबह से ये छापेमारी जारी है, चाहे उनके शोरूम पर हो, चाहे उनके घर पर हो, और कई सारी जानकारियां भी निकल करके आई। अमित, ये भी जानकारी दीजिएगा कि शुरुआती जांच में कुछ कहा जा रहा है, आखिर इतना सपोर्ट कहां से मिल रहा होगा कि इतनी हेरा फेरी इनके द्वारा की गई है, इतनी बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है। क्या ये हम माने कि आने वाले समय में कुछ अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे सराफा कारोबारी के कार्यालय, निजी लॉकर, शहर के विभिन्न स्थानों पर बैंकों के लॉकर की जांच भी की गई है। मनमाड़ और नंदगांव में उनके परिवार के सदस्यों के घरों की भी जांच की गई। यात्री बैग, कपड़े का बैग, ट्रॉली बैग में भरी नकदी को गिनती के लिए 7 कारों से CBS के बाद स्टेट बैंक कार्यालय में लाया गया और शनिवार को जो है स्टेट बैंक में छुट्टी थी, फिर भी इस दिन बैंक के मुख्यालय में जो है कैश की गिनती जो है वो की गई। अब पूरा कैश गिनने में 14 घंटे लग गए और मैं आपको बताऊं कि वरिष्ठ अधिकारियों की टीम लगातार इस पूरे मामले पे जो है अपनी नजर बनाए रखी हुई है। वहीं रिश्तेदार के आलिशान बंगले की जांच भी की गई और यहां के लॉकर में भी जो है पैसा जो है वो मिला है, ऐसी खबर जो निकल कर सामने आ रही है। और फर्नीचर और प्लाईवुड हटाया गया तो वहां पर भी जो इनकम टैक्स के अधिकारियों को भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के तार जहां जहां है, जहां जहां लिंक है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, सागर का जिक्र करते हैं। तेंदू पत्ते से भरे ट्रक में आग लग गई और लाखों का तेंदू पत्ता जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। बिजली के तारों से दरअसल ये टकराया और हादसा हुआ और किसी जनहानि की खबर नहीं है पर बड़ा नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटा हुआ।
बोया पेड़ बबूल का आम कहां से आए, ये कहावत आपने सुनी होगी। इसका मतलब यह है कि बबूल के पेड़ में आम का फल नहीं आ सकता, लेकिन भोपाल में कुछ अलग ही होता दिखाई दे रहा है। यहां बबूल के पेड़ तो नहीं, लेकिन नीम के पेड़ में आम के फल आते हुए दिख रहे हैं। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का बंगला कुछ इसी कारण से सुर्खियों में है। यहाँ पर एक नीम का पेड़ है, लेकिन उसमें फल आम के लगे। जब इस पेड़ पर मंत्री की नजर पड़ी तो वो भी अचंभित हो गए। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर इस पेड़ का फोटो और वीडियो शेयर किया, जिसके बाद हर तरफ इस पेड़ की चर्चा होने लगी। हमारे सहयोगी ने वहाँ का जायजा भी लिया। यू तो आप लोगों ने प्रकृति के कई चमत्कारों के बारे में देखा होगा, सुना होगा, लेकिन भोपाल में आज एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, वो भी मध्यप्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल के शासकीय निवास पर। आप देख रहे होंगे और आपको प्रथम दृश्य ऐसा लगेगा कि एक नीम का पेड़ है, लेकिन क्या आप कभी आपने नीम के पेड़ पर आम लगे हुए देखे? वो भी कोई एक दो की संख्या में नहीं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में। ये देखिए, आपको यहाँ पर आम लगे हुए नजर आएंगे, और अगर आप इस पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो एक ही पेड़, यानी कि जिसमें तना एक ही हो, जड़ एक ही हो, उसमें एक जगह पर आपको दिखाई देगा कि नीम का पेड़ जो है वो निकला हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको वहां पर आम लगे हुए दिखाई देंगे। इस पूरे घटनाक्रम को या आप इसे प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार माने, या फिर जो इस यहाँ पर आम के पेड़ जिसने यहाँ पे लगाए होंगे उनकी, आप इसको एक अच्छा खासा क्राफ्ट मान सकते हैं, जिसको बहुत खूबसूरती के साथ डिजाइन किया है। और अब जब चूंकि आम का मौसम है तो इसमें आम भी खिल रहे हैं, तो ये पूरा जो आम नीम के पेड़ पर निकल कर आए हैं, इसको खुद मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट भी किया, और अब लोग इसे बड़ी रोचकता के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ देख भी रहे हैं। तो ये नज़ारे जो हैं, ये आम नहीं होते हैं, लेकिन ये आम अब अपने आप में बेहद खास हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले के व्हिसल ब्लोअर रवि परमार ने खुद को जान का खतरा बताया। रवि परमार ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा, सुरक्षा दिलाने की मांग की, मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा। परमार ने सीएम को लिखे लेटर में बताया कि उनके पास नर्सिंग घोटाले के सबूत है, रसूखदार लोग मेरी हत्या करवा सकते हैं, झूठे मामले दर्ज करवा सकते हैं, मुलाकात कर जरूरी साक्ष्य सौंपना चाहता हूं। प्रदेश में 20 मई से रुक जाना नहीं योजना के तहत बोर्ड परीक्षा में फेल हुए परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा चल रही है। इंदौर में आयोजित परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े का मामला भी सामने आया, या मुख्य परीक्षार्थी की जगह फर्जी परीक्षार्थी से परीक्षा दिलाने का खुलासा हुआ। अब नाबालिग छात्र छात्रा, प्राइवेट स्कूल की टीचर और उसके पति समेत 5 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। दरअसल मल्हारगंज क्षेत्र में शारदा कन्या स्कूल में 10वीं की परीक्षा चल रही थी। गर्मी की वजह से एक छात्रा ने जब अपना नकाब हटाया तभी पर्यवेक्षक को शक हुआ। जब साइन कराकर फोटो का मिलान हुआ तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इसी तरह एक छात्र ने जब पानी पीने के लिए मास्क हटाया तो उसकी भी सच्चाई सामने आई। छात्र छात्राएं थे जिनका एग्जाम कराया जा रहा था, लेकिन एक इंग्लिश का छात्र था, एक विज्ञान का छात्र था। उन दोनों छात्रों के जब रोल नंबर चेक किए गए और फोटो चेक किए गए तो वो दोनों छात्र, वो छात्र ओरिजिनल छात्र ना होकर कोई दूसरे लोग बैठे हुए थे। इस पर से उनके द्वारा थाना मल्हारगंज में रिपोर्ट की गई। कुल मिलाकर इन 5 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है, जो मैडम ने जिनके द्वारा ये पूरा प्लानिंग की गई थी, और इसके अलावा जो लोग इस बच्चों को लेकर आए थे एग्जाम दिलाने के लिए, उन दोनों बच्चों समेत तीनों आरोपियों को, बच्चों समेत तीनों जो पति पत्नी और एक जो शिक्षक है उनको आरोपी बनाया गया है। उज्जैन अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष मंगेश पुजारी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जिसमें SC/ST वर्ग के 100 साधुओं को महामंडलेश्वर बनाने की बात कही है। महासंघ ने इस पत्र की कॉपी पीएम और सीएम को भी भेजने की बात कही। इस पत्र पर पुजारी महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी और सचिव रुपेश मेहता ने कहा कि साधु संतों के समाज में भी जातिवाद होने लगेगा तो इनका मान सम्मान घटेगा। SC/ST दलित सभी समाज के साधु संत, इसमें कोई जाति या वर्ण नहीं होता, सभी समान होते हैं। इसके बावजूद SC/ST दलित क्यों किया जा रहा है? जो भक्त होते हैं, जो सनातन को मानने वाले, वो कभी साधुओं में अंतर भेद करते ही नहीं थे, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उसको आदर मान सम्मान पूरा दिया जाता था।
ऐसा आज तक चला आया है और अभी वर्तमान में भी हम देखते हैं कि ओबीसी के ने इनके भी जो लोग हैं वो महामंडलेश्वर बने हुए हैं, पर ये जो एक खुली बात करके और फिर उसका राजनीतिक गणित कि इतने ओबीसी है, इतने एसटी एससी के हैं, इतना ऐसा है तो इनको साधने के लिए महामंडलेश्वर बनाने की एक प्रक्रिया है। हमारा उनसे ये अनुरोध था, हमने उनको पत्र भेजा है और ये प्रार्थना की है कि संत समाज में इस प्रकार की कोई बात ना लाए जिससे कि सारा संत समाज में कोई ऐसी मतभेद की स्थिति बन जाए कि सनातन को बहुत बड़ी क्षति हो।